जेहलीटाण में सात सूत्री मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार को सीसीएलएन के एरिया के महाप्रबंधक संजय कुमार, उनके साथ केडीएच परियोजना पदाधिकारी जे अब्राहम सहित कई अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान धरना स्थल पर पहुंचे और धरना का नेतृत्व कर रहे खालाराई पश्चिमी जिला परिषद सदस्य सरस्वती देवी समेत मौजूद लोगों से धरना खत्म कर सोमवार को वार्ता के लिए डगरा बुलाया। सोमवार को होने वाली बैठक में जिला परिषद खलारी पश्चिमी सरस्वती देवी समेत पांच पंचायत प्रतिनिधि और 10 ग्रामीणों को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में प्रबंधन के द्वारा प्रखंड प्रमुख और विश्रामपुर पंचायत की मुखिया को भी बुलाने की बात कही गई। इस दौरान धरना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने महाप्रबंधक को बताया कि ग्रामीणों की प्रतिनिधि के रूप में जिला परिषद सदस्य सरस्वती देवी ही वार्ता की अगुवाई करेंगी। सोमवार को वार्ता का समय तय होने के बाद महाप्रबंधक समेत आए हुए सभी अधिकारी वापस लौट गए। इधर अधिकारियों के वापस लौटने के बाद ग्रामीणों के द्वारा धरना को लगातार जारी रखने का निर्णय लिया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे बीरू सिंह ने बताया कि जब तक वार्ता में मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक यह धरना जारी रहेगा। यदि किसी तरह से वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो अनिश्चितकालीन धरना। स्थिति में यहाँ के लोग रह रहे हैं सर, ये मेरा आपसे निवेदन है और यहाँ का जो समस्या है उस समस्या को समझते हुए उसका समाधान करने का आप कृपया करेंगे सर, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो कहाँ जाएंगे बोलने के लिए, अपना प्रतिनिधि बोलेंगे। सबसे नजदीक ग्रामीण का समस्या सुनने वाले यहाँ के मुखिया होते तो क्यों नहीं आए सर? मुझे नहीं पता है क्यों, लेकिन हम बुलाएंगे क्योंकि विश्रामपुर पंचायत से रिलेटेड समस्या है तो हम बुलाएंगे ना। मैं चिट्ठी दे करके बुलाऊंगा, समस्या नहीं है क्योंकि हम है ना, मुखिया बनाया गया सब यही के ग्रामीण लोग बनाए हैं। ठीक है, आज वो दो चार आदमी का ही बन के रह गई है लेकिन ग्रामीण के नहीं सुन रही है मुखिया। हम ग्रामीण जा रही है ग्रामीण को भी सुनाना चाहिए सर उसको। ये उनका एक अधिकार है, उनकी सोच होगी ग्रामीणों से आना नहीं आना वो उनकी सोच होगी, लेकिन मेरी सोच ये है कि यहाँ की जो आदमी रहेगा बाकी और नहीं कोई रहेगा लेकिन वो लोग रहेगा। ठीक है ना, गाँव के हाँ यहाँ के प्रोजेक्ट ऑफिसर रहेंगे। प्रमुख मानती है जनता क्यों मानती है सर? आप लोग चिट्ठी दीजिएगा तो आ जाएंगे, हम लोग ग्रामीण देंगे तो नहीं आ पा रहे ना। आपने जिताया है ना, हम लोग नहीं जिताया है। वाली बात है लेकिन मुझे तो आप ही से मैं बात कर रहा हूँ सर। यहाँ का विश्रामपुर का जो है ग्रामीण जो है इनको थराइज करती है, इनका बात को विश्वास करती है। मैं ये कहना चाहूँगा भाई जी, हाँ और कोई रहे या न रहे जिला परिषद रहेंगे, इनकी बात को पूरा ग्रामीण विश्वास। फिर से विश्रामपुर पंचायत जहरीटाड़ ग्राम में ये बैठक रखे थे और यहाँ दो तीन दिन से धरना चल रहा है। जीएम साहब को हम लोग बुलाए थे, जीएम साहब आए और उन्होंने भी अपना बात को रखे। सोमवार को हम लोग को टाइम दिया गया है इस बात पर निर्णय लेने के लिए। हम लोग पांच प्रतिनिधि को बुलाया गया है और 10-12 ग्रामीण को बुलाया गया है। तो अब जीएम साहब का भी, हम लोग को जीएम साहब से कोई लड़ाई नहीं है और न ही विस्थापित मोर्चा का उन लोग से लड़ाई है। बस जो इस गांव का समस्या है, ग्रामीण का जो मांग है वो मांग पूरा हो जाए और वो हक ये लोग लड़के लेंगे, लड़के लेने के लिए तैयार हैं और मैं प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी इनका हक दिलाऊंगी।